नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें और सभी परेशानियों को दूर करें। आज एक वीडियो जो आपके सामने मैं लाने वाला हूं काफ़ी सीरियस होने वाली है, क्योंकि देखिए मैं आपको पहले बता दूं, ये जो मैं आपको हाथ दिखा रहा हूँ, इनके कह सकते हैं कि एक वर्ष में इनकी आंखें चली गई हैं। मतलब यहाँ पर अपनी आंखों से ये देख नहीं सकते हैं। और इनके भाई ने रिक्वेस्ट की है कि कंडीशन को पढ़ें कि हाथ में क्या कारण था और क्या उम्मीद है कि हाथ आंखें जो हैं रोशनी जो है वापस आ सकेगी कि नहीं। देखिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होने वाली है। और देखिए मैं आपको पहले बता दूँ कि 24 से 25 की उम्र में अचानक से ही इनकी आँखें चली गई, और ना कोई एक्सीडेंट हुआ ना कुछ हुआ, अचानक से ही आँखों की जो रोशनी है वो चली गई। तो हम हाथ में ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हाथ में ऐसे कौन से निशान थे और क्या ऐसी कमियां थी कि यहाँ पर इस दिन तक यहाँ पर पहुँच गए, और क्या आगे उम्मीद है। तो वीडियो को आप सीखने के मकसद से देखिएगा और हम कोशिश पूरी करेंगे हम उनकी सहायता कर पाएँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी सब्सक्राइब कर दें अगर आप अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो, हमारे व्हाट्सएप के द्वारा जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो होता है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। उसी संदर्भ में हम बात करते हैं। पहले देखिए, अगर कोई बीमारी आपको लगी हुई है और बीमारी से आप जूझ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफलाइन को देखें। लाइफलाइन का फ्लो कैसा है आपका। तो इस हाथ में आपको देखने को मिल रहा है कि जो लाइफलाइन है यव के सिंबल से स्टार्ट हो रही है, दो या बड़े यव के सिंबल से स्टार्ट हो रही है। देखिए जैसे इन्होंने बताया, इनके भाई ने जो बताया, हम इससे रिलेट कर सकेंगे कि देखिए स्टार्टिंग में ही ये प्रॉब्लम कह सकते हैं कि आ चुकी थी, और इसका जो रिजल्ट है 24-25 के अप्रॉक्स यहाँ पर देखने को मिला। अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, देखिए एक बड़ा यव का सिंबल स्टार्टिंग में ही है, कम से कम इसे यहाँ पर 20 के एज मान के चलें, और एक यहाँ पर एक यव का सिंबल आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर 21 से ही स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर 25 तक यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है। तो साथ में एक यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर एक बड़ी राहु लाइन ने इसको काट दिया, तो ये और डेंजर कंडीशन हो गई। तो इसी एज में जो इन्होंने बताया कि 25 से 26 साल की एज में ही इनकी आँखें गई हैं, और जो इन्होंने बताया इसी से हम रिलेट कर सकेंगे। तो और हम जैसे इनके हाथ में, दोनों हाथ में आपको देखने को मिलेगा कि जो लाइफ का फ्लो है काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर इनकी जो लाइफलाइन है यब के सिंबल से स्टार्ट हुई और यब के सिंबल से ही ख़त्म हो रही है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और कम से कम यहाँ पर 50 के ऊपर ही ख़त्म हो रही है, 45 भी नहीं कहेंगे हम, 43-42 के अराउंड ये ख़त्म होने का प्रयास कर रही है। तो ऐसा नहीं कि लाइफ छोटी है, लाइफ काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर हार्टलाइन काफ़ी ज़्यादा सक्षम है, माइलाइन काफ़ी ज़्यादा सक्षम है, लेकिन इनकी जो ये बीमारी इनकी हुई है, जो नेत्र से संबंधित जो इशू आए हैं, अचानक से इनकी आंखें चली गई, यही आपको देखने को मिल रहा है कि इनकी लाइफलाइन काफ़ी ज़्यादा दूषित यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर यव के सिंबल से स्टार्ट हो रही है। और जो यहाँ पर यव का सिंबल है अगर लाइफलाइन पे आपको बनता है, मैंने आपको काफ़ी वीडियोज़ में बताया है कि अगर कोई भी यव का सिंबल आपके हाथ में मिल रहा है, ख़ासतौर पर लाइफलाइन पर, तो एक बड़ी लंबी बीमारी आपको लगेगी, और उसका एंड कब तक होगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हम इससे उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी लाइफलाइन का लास्ट पीरियड है, या फिर कह सकते हैं कि जब ये समाप्त हो रही है लाइफ, ये भी एक यव के सिंबल से ही समाप्त हो रही है। तो जो कह सकते हैं कि उम्मीद की जो किरण है यहाँ पर मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन हम यहाँ पर इसको 10% रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो माइंड लाइन है काफ़ी ज़्यादा सही है और डीप नहीं है, और जो हृदय रेखा है यहाँ पर वो भी सही है, इसमें भी कोई दोष यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। जो दोष आ रहा है वो लाइफलाइन में ही है। लाइफलाइन जो क्या है, हमारी लाइफलाइन एक हमारी जीवनी है, जो हम कह सकते हैं प्रिडिक्शन करते हैं बीमारियों का, हम इसी से करते हैं, तो ये देखने को यहाँ पर मिल रहा है। एक और साइन यहाँ पर इनके हाथ में नज़र आया मुझे,
हाथ में हीट काफ़ी ज़्यादा है, अग्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए सूर्य आप इनका देखें और इनका मंगल क्षेत्र देखें, एक यहाँ से रेखा निकल कर यहाँ पर सीधा यहाँ पर इनके सूर्य पर्वत पर जा रही है, मतलब यहाँ पर मंगल क्षेत्र और सूर्य क्षेत्र यहाँ पर कनेक्ट हो गए और हाथ में हीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे जातक स्टार्टिंग में मतलबी होते हैं, गुस्से वाले होते हैं और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा ऐसे जातक में आता है, तो ये भी एक दोष मैं मान लूँगा। और वैसे तो इनकी जो लाइफ लाइन है वो दूषित है ही है, और ये भी यहाँ पर इनके हाथ में दोष यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यही दो चार कारण है मेजर, तो यहाँ पर कारण इनकी लाइफ लाइन का दूषित होना। मैं आपको दूसरी इनकी हैंड की पिक भी दिखा दूँ, देखिए इनके राइट जो हम कह सकते हैं कि इनके लेफ्ट हैंड की पिक, ये भी उसी वही है। अगर यहाँ पर प्रॉब्लम आपके दोनों हाथों में है तो कन्फर्म वो प्रॉब्लम होगी। देखिए यहाँ पर ये आपको एक ई का सिंबल यहाँ पर देखने को मिलेगा, 24-25 के राउंड ये बन रहा है, और लास्ट में भी आपको इसमें एक ई का सिंबल दिखेगा, ये भी यहाँ पर ई के सिंबल से ही समाप्त हो रहा है। और जो इनके लाइन जो इनके राइट हैंड में थी वही यहाँ पर रेखा इनके लेफ्ट हैंड में भी आपको देखने को मिलेगी, तो यही कारण यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद कोई देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि लाइफ का स्टार्टिंग पीरियड उसी बीमारी से हो रहा है और जो समाप्त हो रहा है उसी बीमारी से हो रहा है। तो ये हम कंडीशन कह सकते हैं कि 10% चांसेस को मैं यहाँ पर रखूँगा, क्योंकि इनकी हृदय रेखा और माइंड लाइन ठीक है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कोई मुझे चांस जो है यहाँ पर लग नहीं रहा है कि आँखें यहाँ पर वापस आएंगी। काफ़ी दुखद मन से हम कह रहे हैं कि यहाँ पर मुझे चांस, यहाँ पर जो इनकी लाइफ लाइन के फ्लो को देख कर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आँखें जो है नहीं आने की उम्मीद है। और लेकिन इस हाथ में पॉजिटिविटी की भी ये बात मैं आपको कहूँगा, देखिए अग्रेशन तो है हाथ में। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इनकी जो शनि फिंगर है ऊपर से जो है ये सूर्य की तरफ टिल्ट हो रही है, तो ये भी एक कारण है। और इनका जो बुध पर्वत है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा जो फर्स्ट बैलेंस है इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो ऐसे जातक में अग्रेशन तो रहता ही रहता है, मतलब ही थोड़ा सा जातक हो जाता है, और ये कह सकते हैं कि बोलने की समझ, जो बोलने की प्रवृत्ति होती है, बोलने की जो कला होती है काफ़ी अच्छी होती है। तो मैं इनको कहूँगा कि मान लीजिए कि आंखें तो नहीं हैं, आंखें यहाँ पर नहीं देख सकते, लेकिन ये अगर प्रोफेशन अपना चुनना चाहें तो बोलने वाले फील्ड में ये प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो बुध है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और बुध क्या है, एक तरह का हमें वक्ता बना सकता है, जो बोलने की समझ है उससे हम कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिससे वो हम आगे बढ़ सके। तो इनके हाथ में ये पॉजिटिविटी यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था, जिनके भाई ने जो क्वेश्चन किया था कि क्या उम्मीद है, तो उम्मीद बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि यब के सिंबल से ही लाइफ लाइन स्टार्ट हो रही है, यब के सिंबल से ही ख़त्म हो रही है, और लाइफ का जो फ्लो है अच्छा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा है। तो आप आशा करें कि शायद भगवान सुन लें और अचानक इनकी निगाह जो है, नज़रें हैं वापस आ जाएं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन मुझे काफ़ी ज़्यादा ख़राब यहाँ पर दिखती नज़र आ रही है। चलिए इसको समाप्त करते, वीडियो को आप शेयर जरूर करें और कामना करें कि इनकी आंखें वापस आ जाएं। और आप अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ संपर्क जरूर कर सकते हैं, और हमें हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।